तीन दिन मुमरा में दुकानें बंद रहेगी, इस ऐलान का कैसा रहा मुमरा कौसा में असर? सरकारी आदेश के बाद दोपहर के बाद दिखाई दिया बंद का असर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि गुरुवार को हमने आपको खबर बताई थी, मुमरा कौसा व्यापारी एसोसिएशन और फेडरेशन ने एक पुलिस के साथ मनपा अधिकारियों के साथ मीटिंग कर तीन दिन तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़ करके, जैसे कि दूध की दुकान है, मेडिकल शॉप्स है, किराना दुकान है, सब्जी तरकारी की दुकानें हैं, इनको छोड़ करके बाकी सभी दुकानें तीन दिन तक बंद रहेगी। पहला दिन कैसा रहा वो हम आपको बता रहे, कौसा से पूरे मुमरा तक के विजुअल्स बता रहे, अंदर के गलियों के विजुअल्स आपको बता रहे, मुख्य जो गलियां हैं उनके विजुअल्स हम आपको बता रहे। सुबह से लेकर के दोपहर तक कहीं दुकानें खुली है कहीं बंद है, ऐसा नज़ारा था लगभग। लेकिन दोपहर में राज्य सरकार का 31 मार्च तक का चार शहरों के लिए मेट्रोपॉलिटन MMRDA का रीजन पकड़ करके इसको गिना जाए तो ये पांच शहर होते हैं ठाणे की गिनती पकड़ करके। तो इस आदेश के आने के बाद पुलिस ने भी घूम घूम करके ऐलान करना शुरू किया, जिसके बाद दुकानें लगभग 90 से 95% बंद नजर आई। दूध की दुकानें, मेडिकल की दुकानें, सब्जी तरकारी बेचने वाले बदस्तूर अपना कारोबार करते रहे, क्योंकि ये आवश्यक सेवाओं में इनकी गिनती आती है और इसेंशियल चीज़ों का मिलना लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो देखिए किस तरीके से पूरे मुमरा कौसा में व्यापारी एसोसिएशन की अपील पर और प्रशासन के आदेश के बाद बंद रहा है, उसके पूरे हम आपको विजुअल्स आज की हमारी इस खबर में बता रहे हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से आज से तीन दिन दुकानें बंद रहने घोषित किया गया है। मेडिकल स्टोर और अनाज की दुकानें छोड़ के बाकी सब दुकानें बंद करने का उन्होंने अपील किया है। आप सभी लोगों से पुलिस की तरफ से भी अपील किया जाता है, ये सब दो दुकानें छोड़ के बाकी सब दुकानें बंद की जाए और कोरोना का प्रसार रोकने का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कोशिश की जाती है उसमें भी आप अपने तरफ से हाथ बताइए।